Hello dear all, welcome to our channel Smart Indian Model School. Smart Indian Model School present Smart Indian EduFun classes. EduFun online classes includes course Studies of Playgroup to Class 12, Emotional and Communication Skills, Happiness classes and DIY activities. Good morning dear kids and welcome to your computer class. Today I, Ishmeet, going to learn you your chapter number 3, that is part of a computer. In this chapter we are going to learn different parts of a computer. As you know kids, जैसे कि आप लोगों के पास बॉडी है ऐसे ही कंप्यूटर के पास भी उसकी बॉडी है. आप लोगों का अलग अलग पार्ट का अलग अलग वर्क होता है. जैसे आपकी आईज का वर्क होता है देखना, आपके ईयर्स का वर्क होता है सुनना, आपकी नोज का वर्क होता है स्मेल करना और आपके लेग्स का वर्क होता है चलना. ऐसे ही कंप्यूटर के भी अलग अलग पार्ट्स होते हैं जिनका अलग अलग वर्क होता है, जिनके बिना वो वर्क नहीं कर सकता. जैसे अगर आपके पास आईज नहीं होगी तो आप प्रॉपर वर्क नहीं कर पाएंगे, आपके पास हैंड्स नहीं होंगे तो भी आप प्रॉपर वर्क नहीं कर पाएंगे. ऐसे ही अगर कंप्यूटर के पास उसके पूरे पार्ट्स नहीं होंगे, अगर वो प्रॉपर वर्क नहीं करेंगे तो आपका कंप्यूटर आपको सही रिजल्ट नहीं दे पाएगा, वो अच्छे से काम नहीं कर पाएगा. तो हम आपके इस चैप्टर में पढ़ने जा रहे हैं कि कंप्यूटर के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं और कौन कौन से पार्ट का क्या क्या वर्क होता है. सो लेट स्टार्ट. इसमें की पॉइंट्स कौन कौन से हैं, मेन पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर. इसमें बताया जाएगा आपको मेन पार्ट्स कौन से होते हैं और एडिशनल पार्ट्स यानी कि जो उसके साथ लगे होते हैं. सो लेट्स स्टार्ट. आवर बॉडी हैज डिफरेंट पार्ट्स सच एज हेड, हैंड, फेस एंड लेग्स. जैसे मैंने अभी आपको बताया हमारे पास भी बॉडी है, उसके डिफरेंट पार्ट्स हैं. ऐसे ही उसका डिफरेंट पार्ट का डिफरेंट वर्क होता है. जैसे वॉक करना होता है लेग का वर्क, सी करना होता है आपके आईज का वर्क, होल्ड करना होता है हैंड का वर्क. ऐसे ही कंप्यूटर के पास भी अलग अलग पार्ट्स हैं जिसका अलग अलग वर्क है. आपके चैप्टर में 4 मेन पार्ट्स दिए हैं, इसको आपको लर्न करना है अच्छे से. नंबर 1 मॉनिटर, नंबर 2 कीबोर्ड, नंबर 3 माउस एंड नंबर 4 सीपीयू बॉक्स. क्या होता है अब हम पढ़ेंगे अलग अलग के बारे में. सबसे पहले आप देख रहे हो बच्चों ये क्या है, ये एक मॉनिटर है ना, ये आप देख रहे हो. ये पूरा आपका जो है कंप्यूटर सेटअप है उसके अलग अलग पार्ट्स हैं. ये क्या होता है, ये टेलीविजन स्क्रीन की तरह होता है. एज यू कैन सी, जैसे आपके घर में टीवी है आप देखते हो, टीवी स्क्रीन की तरह ही आपके कंप्यूटर का भी मॉनिटर होता है. तो जो आपके टेलीविजन स्क्रीन की तरह लगता है आपको कंप्यूटर में, उसका नेम होता है मॉनिटर. आपको मॉनिटर की स्पेलिंग भी लर्न करनी है. मॉनिटर की स्पेलिंग है MONITOR मॉनिटर. मेन पार्ट्स क्या होते हैं, दिस पार्ट ऑफ अ कंप्यूटर लुक्स लाइक अ टेलीविजन. हमने जैसे बताया मैंने आपको ये टेलीविजन की तरह लगता है. अ मॉनिटर हैज अ स्क्रीन दैट डिस्प्ले वर्क, यानी कि आप जो भी वर्क अपने कंप्यूटर में करते हैं वो सारा का सारा आपको कहाँ शो होता है, वो सारा का सारा आपको यहाँ पे स्क्रीन पे शो होता है. तो आपको सारा वर्क कहाँ दिखता है, मॉनिटर स्क्रीन पर. इट शोज वर्ड्स, नंबर्स, पिक्चर एंड मूवीज ऑन इट स्क्रीन. ये आपको क्या शो करती है, ये आपको वर्ड शो करती है. आपको ये वर्ड्स दिख रहे हैं लिखे हुए, आपको ये पिक्चर शो करती है. ये पिक्चर्स आपको दिख रही है बच्चों, ये भी आपको ये शो करती है. आप मूवीज देखते हैं तो ये भी आपको इसी पे शो होती है. इट हैज अ पावर बटन टू स्विच ऑन एंड ऑफ, यानी कि इसके पास एक पावर बटन होता है. ये जो देख रहे हो छोटा सा राउंड सा ब्लैक सा, ये इसका पावर बटन होता है. काफी कंप्यूटर्स में ये नीचे भी होता है, इधर की साइड भी ये होता है. तो इसमें इसका क्या वर्क होता है, जैसे आपका टीवी के ऊपर भी होता है, टीवी के ऊपर भी बटन होते हैं. एक बड़ा सा बटन होता है ना टीवी पर जिसको हम स्विच ऑफ कर देते हैं तो कंप्यूटर आपका फोन वो आपका टीवी बंद हो जाता है. ऐसे ही इसमें भी बटन होते हैं जिसको आप अगर प्रेस करेंगे तो आपका कंप्यूटर बंद होगा और ऑन होगा. इसका बैक साइड भी देख लेते हैं, इसका बैक साइड कुछ ऐसा दिखता है. इसमें ये दो प्लग होते हैं, ये किस चीज के होते हैं आपको पता है. एक तो होता है आपका मेन वायर जो आपका सीधा आपके स्विच बॉक्स से कनेक्टेड होता है, दूसरा होता है आपका ये सीपीयू का, ये आपके सीपीयू से कनेक्टेड होता है. अब हम पढ़ेंगे सीपीयू क्या होता है. सीपीयू आपको सबसे पहले इसकी फुल फॉर्म लर्न करनी है.
सी से आपका आ गया सेंट्रल, पी से आपका आ गया प्रोसेसिंग और यू से आपका आ गया यूनिट। तो आपका क्या बन गया? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। एक बार मेरे साथ फिर से बोलिए, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। आपको इसकी स्पेलिंग भी बहुत अच्छे से लर्न करनी है बच्चों। इट इज फिक्स इनसाइड सीपीयू कैबिनेट। अ सीपीयू कैबिनेट लुक लाइक अ बॉक्स। ये जो होता है सीपीयू, सीपीयू कैबिनेट में फिक्स होता है। ये आपको एक बॉक्स की तरह लगता है। एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर, आप ये देख रहे हो ये कैसा है, ये एक डब्बे की शेप में है ना। आपके घर में कुछ बॉक्सेस आते हैं, ये बिल्कुल उसकी शेप का होता है। इट मेक्स अ कंप्यूटर वर्क एज पर द गिवन ऑर्डर। यानी कि आप जो भी वर्क करते हैं ना, आपका जो होता है ये सीपीयू से पहले प्रोसेस होता है, फिर आपके मॉनिटर स्क्रीन पर शो होता है। अगर आपका सीपीयू वर्क नहीं करेगा ना बच्चों, तो आपका कंप्यूटर किसी भी कंडीशन पे नहीं चलेगा। तो सीपीयू जो है ना कंप्यूटर का बहुत ज्यादा मेन पार्ट है। जैसे आपका ब्रेन होता है, आप जो भी लर्न करते हैं वो आप कहाँ से करते हैं? वो आपके माइंड से करते हैं ना। पहले आप अपने माइंड में उसको लर्न करते हैं, फिर आप उसको कॉपी पर लिखते हैं। तो ऐसे ही जब आपके माइंड में कुछ चीज हो गया, वही चीज तो आप अपनी कॉपी में शो कर पाओगे ना, वही तो आप लिख पाओगे। ऐसे ही जो ये होता है ना सीपीयू, ये कंप्यूटर का ब्रेन होता है। तो आपको लर्न करना है बच्चों कि जो कंप्यूटर का ब्रेन होता है वो क्या होता है, वो सीपीयू होता है। तो अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, तो आपको आंसर देना है सीपीयू। तो क्यों कहते हैं इसको ब्रेन? क्योंकि आप जो भी वर्क करोगे ना, वो सबसे पहले आपका सीपीयू में जाएगा, सीपीयू के बाद आपका मॉनिटर स्क्रीन पर शो होगा। तो जैसे आपके माइंड में हो गया, आपने एक बार देख लिया, आपके माइंड में आ गया, तो आपने कॉपी पर लिख दिया, वो आपकी कॉपी पर शो होता गया। ऐसे ही पहले सीपीयू अपने अंदर ले लेता है कोई भी डाटा जो आप देते हो, फिर वो आपको इजीली शो कर देता है आपकी मॉनिटर स्क्रीन पर। ये देखिए, ये बैक साइड से कुछ इस टाइप से शो होता है। ये भी देख लीजिए, ये कुछ इस टाइप से बैक साइड से शो होता है। इट ऑल्सो कंट्रोल्स द अदर पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर, दैट इज वाई सीपीयू कॉल्ड द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। यह अलग अलग पार्ट्स भी कंट्रोल करता है, इसको ब्रेन कहते हैं, जैसे मैंने बताया आपको। टू यूज द कंप्यूटर वी प्रेस द ऑन एंड ऑफ बटन इन द फ्रंट ऑफ सीपीयू बॉक्स। हमें सीपीयू को ऑन ऑफ करने के लिए सबसे पहले क्या करना होता है? ये आप देख रहे हो बच्चों, ये सीपीयू के बटन है। तो आपको सबसे पहले ये जो गोल वाला बटन देख रहे हैं ना आप, ये प्रेस करना होता है। जैसे आप इसको प्रेस करते हैं, ये वाली लाइट जो है ग्रीन कलर की लाइट इसकी ऑन हो जाती है, जिससे आपको पता चल जाता है कि आपका सीपीयू बॉक्स ऑन हो चुका है। फिर आपका जब सीपीयू बॉक्स आपका ऑन हो जाता है, तभी आपके इसमें करंट आता है। जब तक इसमें करंट नहीं आएगा, आपका ये करंट नहीं लेगा। तो ये दोनों आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट सीपीयू। आपने देखा, पहले आप सीपीयू की सबसे पहले फुल फॉर्म लर्न करेंगे, और उसके बाद आपको एक चीज और याद रखनी है, कंप्यूटर का ब्रेन होता है सीपीयू। सो किड्स, टूडे वी आर ओनली कवर टू मेन पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, दैट इज मॉनिटर एंड सीपीयू। अभी हम लोगों ने पढ़ लिया ना, होते तो चार पार्ट्स हैं। कौन कौन से होते हैं? मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस एंड सीपीयू बॉक्स। लेकिन अभी आज हम सिर्फ अच्छे से पढ़ा है हम लोगों ने मॉनिटर और सीपीयू के बारे में, कि ये दोनों क्या होते हैं और इन दोनों का वर्क क्या होता है। तो आज का हमारा जो क्लास है, उस क्लास में सिर्फ और सिर्फ हम मॉनिटर सीपीयू के बारे में ही पढ़ेंगे। बाकी आपका माउस और कीबोर्ड के बारे में हम अपने नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। सो गुड बाय किड्स, हैव अ नाइस डे। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आगे की वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए कृपया बेल बटन दबाएं और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल ऑफ एडुफन क्लासेस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।